तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। कोई प्रश्न किसी को? बोलिए आदि कुमार जी। हाँ, स्टॉप हाँ सर, जय जिनेंद्र सर। देश से कोई प्रश्न है आपको? स्टॉप देश जो अपन पढ़ रहे हैं उसमें से। इष्टोपदेश के बारे में नहीं है। और कोई स्टॉप देश से संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो? वो शिवलाइन के नाम से थी ना। हाँ, तो वो अपन वापस कर बोलिए सकते सौरभ हैं। जी। ठीक है। सर, ये जो अपनी पहली वाली गाथा थी, ये अपना जिसमें ये बताया कि नरक, ये तो समझ में आ गया कि सर नरक बुरा है, नरक में दुख है, लेकिन ये जब तक नरक, जब तक मोक्ष नहीं जा सकते तब तक स्वर्ग के सुख भोगे, स्वर्ग जाएं, तो मतलब स्वर्ग में तो सर पंच इंद्रिय के भोग है ना सर? तो क्या मतलब पंच इंद्रिय के भोग भोगने के लिए सर मतलब उपादेय बतलाया है, या ये बोला है कि जब तक ऐसा नहीं हो रहा है, जब तक मोक्ष नहीं हो रहा है और नरक नहीं जाना तब तक स्वर्ग के सुख भोगे? नहीं, तो और ये भी सर सिर्फ जब एक तक भाव, नरक नहीं, जब तक मोक्ष नहीं मिले तब तक व्रतों का पालन करो। जब तक शुद्धोपयोग नहीं हो तब तक शुभोपयोग करो। सर मनुष्य गति में यदि भोग भोगेंगे तो नरक जाएंगे, और मनुष्य गति में यदि अपन व्रत तप आदि करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, तो स्वर्ग में भी तो सर भोगी तो भोगना है ना सर? और ये भी सिर्फ एक भाव का ही सॉल्यूशन दिया, स्वर्ग से जाके फिर मनुष्य बनेंगे या एक इंद्री दो इंद्री में आ जाए, एक इंद्री में आ जाएंगे? तो सॉल्यूशन भी सर एक ही भाव का आया। और दूसरा सर, ये आपने जैसा बतलाया था कि मनुष्य गति में सिर्फ कमाई करने का है और नरक और स्वर्ग तो भोगने की मुख्यता है, और तो सर मतलब इस बात से थोड़ा सोच रहा था तो क्लैरिटी नहीं आ पाई कि कुल मिला के स्वर्ग के सुख तो बोल ही दिया ना वहां पे कि सुख है स्वर्ग में, और तब तक भोगो जब तक मोक्ष नहीं हो रहा है। नहीं, वो ये नहीं कह रहे जब तक व्रतों का पालन करो जब तक मुक्ति नहीं हो, ये कह रहे हम। व्रतों का पालन करो और उसके, ठीक सर, जैसे छाव में रहने को स्वर्ग बतलाया ना सर, अरे और छाव स्वर्ग में में तो तो सही है ना वो, तो कि व्रतों का पालन करके नरकादि के दुख भोगने की अपेक्षा अव्रतों के द्वारा नरकादि के दुख भोगने की अपेक्षा व्रतों द्वारा स्वर्ग सुख प्राप्त करना बेहतर। मतलब सर स्वर्ग के सुख को मतलब बेहतर बतलाया है ना कुल मिला के, और वहां पे पांच इंद्रिय के विषय भोगी है ना सर? नरक से तो बेहतर बताया ना। ठीक सर, आगे तो एक गाथा आएगी अभी, तो अभी एक जिसमें स्वर्ग के सुखों को कहेंगे कि क्या स्वर्ग के सुख है। अभी एक गाथा और है अभी तो। अभी एक गाथा और आएंगे अभी जिसमें स्वर्ग के सुखों का वर्णन करेंगे। अरे अपने अभी आचार्यों ने गाथा की गाथाएं भरी, इंद्रिय सुखों की अपेक्षा बात की। ये तो अपने को समझना चाहिए कि इंद्रिय सुख सुख नहीं है। जो कुछ भी सुख का वर्णन कहा जा रहा है ये सांसारिक अपेक्षा से बताया जा रहा है। सांसारिक सुखों को चाहते हैं उनको कहा है कि अपेक्षा स्वर्ग जाना बेहतर है। सामान्य जीवों को तो यही कहेंगे ना भाई, पाप करने की अपेक्षा पुण्य करना बेहतर है। बाद में उसको समझाएंगे हम। बाद में क्या, यही आगे ही समझाया है कि जिस भाव से आत्मभक्ति करो। ये तो पूरी तरह समझ में आ गया कि नरक बुरा है ना, लेकिन सर भोग यहाँ भोगना और भोग स्वर्ग में भोगना, भोग भोगना तो नहीं यहाँ भी यहाँ पाप भोग क्यों है। भोगना, भोगों के अलावा दूसरी बातें ना स्वर्ग के अंदर मुक्ति के नहीं सर अनुकूल सोच, साधन भी बने रहते हैं ना। सर वो दोनों बातें सोची थी तो फिर भी एकदम क्लैरिटी नहीं आ पाई, इसलिए मैंने पूछ लिया कि वहां नंदीश्वर मिलेगा या वहां पे अपन समो शरण में जाएंगे, धर्म के साधन मिलेंगे, फिर भी क्लैरिटी नहीं आ पाई थी इसलिए पूछ लिया सर। हाँ, अभी क्लैरिटी है कि नहीं है? हाँ सर, क्लैरिटी तो ये है कि नरक की अपेक्षा स्वर्ग बेहतर है, पुराना वाला बस कंक्लूजन है। इतनी बात बतानी है उनको, और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मुक्ति की अपेक्षा आगे कह दिया उन्होंने कि मुक्ति आत्मभक्ति युक्त है, आत्मभक्ति से मोक्ष मिलता है तो स्वर्ग क्या बात है। जी सर, देखो जब मजबूरी होती है, अभी अपने क्लास यदि अपने मंदिर में लगती तो बहुत अच्छा था, नहीं लग रही तो क्या करें। लखनऊ
बंद ही करते हैं। क्या आपातकालीन भी कोई व्यवस्थाएं करनी रखनी पड़ती ना, नहीं तो कुछ भी नहीं होएगा। क्या 26 जी बनने जाएंगे तो 24 जी भी नहीं बन पाएंगे। इसलिए अपने को हर चीज में विचार करना पड़ेगा कि भाई कहाँ अपन खड़े हैं, क्या कर रहे हैं। और कोई अच्छा प्रश्न था बढ़िया पर विचारक, और कोई कोई प्रश्न किसी को, और कोई सौरभ जी के अलावा पूर्वी बोलो। हेलो, वो तुम्हारी आवाज समझने में मेरे को बहुत मेहनत लगी। मैं चैट में लिख के, हाँ चैट में लिख दो एक बार। स्पीकर खराब है, स्पीकर देख पा रहे, स्पीकर तो सही है। हाँ लिख दिया पूर्वी। हाँ सर, देखता हूँ मैं क्या प्रश्न है ना चैट में देखता हूँ। त्याग का फल भोग बताया है, त्याग का फल भोग बताया है, तो त्याग का फल में भोग तो है ना। बोलो इसमें क्या कहना, त्याग का फल भोग तो है, ऐसा कैसे मतलब। जितने भी मुनिराज है सब स्वर्ग में जाते हैं, देवगति वैमानिक बनते हैं, उन्होंने भोगों भोग की सामग्री रहती है। हाँ रहती ही रहती रहती हूँ। तो प्रश्न समझ में नहीं आया क्या, क्लियर है मतलब भोग के फल में, त्याग के फल में भोग नहीं बनता। देखो त्याग के फल में भोगों भोग पुण्य बनता है, पुण्य से भोगों भोग की सामग्री प्राप्त होती है, उससे इनकार नहीं है भाई। इतने ही कि सम्यक दृष्टि उसमें उलझता नहीं है। क्या ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और कोई, चलो आगे चलें अपन। कहाँ तक पढ़ा था अपन ने, तथा तत्वानुशासन में कहा है कि यहां से पढ़ना है अपने। पढ़िए, कौन पढ़े, सुभाष जी पढ़ो आप, सुभाष जी रोकड़े, आवाज नहीं आ रही लेकिन आपकी। हाँ बोलो या, तथा पढ़ लोगे आप सब हिंदी, कोई दिक्कत तो नहीं ना। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। तथा तत्वानुशासन में कहा है कि गुरु का उपदेश प्राप्त कर सावधान हुए प्राणियों द्वारा ध्याने में आया हुआ यह अनंत शक्ति वाला आत्मा आत्मध्यान करने वाला भुक्ति भोग और मुक्ति प्रदान करता है। हाँ देखो ये श्लोक यहाँ है, ये श्लोक पढ़ता हूँ। गुरु उपदेश मासाद्य ध्याय माने समाहिते अनंत शक्तिरात्मायं मुक्तिम भुक्तिम च यच्छति
गुरु उपदेशम आसाध्य, गुरु उपदेश को प्राप्त करके ध्याय माना समायते, अच्छी भले प्रकार से जो ध्याता है वो अनंत शक्ति आयाम, अनंत शक्ति आत्मा अयम, अयम यह अनंत शक्ति युक्त इस आत्मा का जो ध्यान करने वाला है, भुक्तिम मुक्तिम च यच्छति, मुक्तिम और भुक्ति मतलब मुक्ति और मुक्ति, भुक्ति माने भोग और मुक्ति माने मोक्ष, तो भुक्तिम और मुक्तिम माने मोक्ष और भोग दोनों को प्राप्त करता है। क्या कह रहा है, क्या कह रहे हैं देखो आप, इस गुरु का उपदेश प्राप्त कर, गुरु उपदेश मासाध्य ध्याय माना समायते, प्राणियों द्वारा ध्याने में आया हुआ यह अनंत शक्ति वाला आत्मा आत्म ध्यान करने वाले को भोग और मुक्ति प्रदान करता है, मुक्ति माने भोग और मुक्ति प्रदान करता है। गुरु का उपदेश प्राप्त कर जो सावधान हुए प्राणी हैं, ऐसे प्राणियों द्वारा जो ध्यान करने में आया हुआ ये आत्मा है, कैसा है वो अनंत शक्ति वाला आत्मा, वो उस ध्यान करने वाले को भोग और मोक्ष दोनों देता है। ये अर्थ माने आत्मा का ध्यान मोक्ष और स्वर्ग दोनों को देने वाला है, ये इसका अर्थ है। ठीक है, क्या कहा? और इसमें सब शर्त रखी कि जिस जीव ने गुरु का उपदेश प्राप्त किया और प्राप्त करके सावधान हुआ और सावधानी पूर्वक उसने अपने अनंत शक्ति वाले आत्मा को ध्याया माने आत्म ध्यान किया, तो उसको भोग और मोक्ष दोनों मिलेंगे। ठीक है, हाँ इसका अर्थ भी पढ़ लीजिए सुभाष जी, ये एक एक श्लोक और पढ़, एक दो और पढ़, मतलब एक पैराग्राफ और पढ़ लीजिए। यह आत्मा अरिहंत और सिद्ध के रूप में चिंतन करने में ध्याने में आने पर चरम शरीर को मुक्ति प्रदान करता है और उसके ध्यान के साथ पुण्य उपार्जित करने वाले अन्य को भुक्ति अर्थात स्वर्ग चक्रवर्ती के भोग इत्यादि प्रदान करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बस 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 बस। यह आत्मा अरिहंत और सिद्ध के रूप में चिंतन करने में आने पर, माने हम इस आत्मा का अरिहंत और सिद्ध के रूप में चिंतन करते हैं, तो यदि वह जीव चरम शरीर हो तो मोक्ष प्राप्त करता है। माने आत्मा अरिहंत और सिद्ध के रूप में चिंतन करने पर चरम शरीर को मुक्ति प्रदान करता है और उसके ध्यान के साथ यदि पुण्य उपार्जित किया और वो चरम शरीर नहीं है तो आत्मा आत्म ध्यान के साथ जो पुण्य उपार्जित हुआ तो उससे वह उस पुण्य के फल से वो आत्म ध्यान करने वाले को भुक्ति अर्थात स्वर्ग चक्रवर्ती के भोग इत्यादि प्रदान करता है। सीधी सी बात है कि आत्म ध्यान चरम शरीर को उसी भाव में मोक्ष प्राप्ति का कारण है और वही आत्म ध्यान यदि जीव चरम शरीरी न हो तो वो पुण्य बांधेगा, सारे पुण्य को नष्ट करके तो जाएगा ही ना, चरम शरीर नहीं है मतलब उसी भाव से मोक्ष नहीं जाएगा, तो जो उसी भाव से मोक्ष नहीं जाएगा तो वो यदि कहीं भी जाएगा तो वो पुण्य लेके जाएगा और उस पुण्य के फल में वो स्वर्ग चक्रवर्ती के भोग प्राप्त करेगा। ठीक है, आदित्य जी ने कुछ पूछा है, पूछते हैं, बोलिए आदित्य जी। भैया चरम शरीर होना मोक्ष जाने के लिए एक रिक्वायरमेंट है? जो मोक्ष जाता है उसको चरम शरीर कहते हैं। मतलब चरम शरीर मतलब क्या हुआ एग्जैक्ट डेफिनेशन वाइज, या क्या मतलब उसे कैसे? वज्रश्रम नारा सनन जिसका होता है और जो उसी भाव से मोक्ष जाते हैं उनको चरम शरीर कहते हैं। ठीक, बोलिए प्रीतेश जी। सर ऐसा ये चरम शरीर वाली बात से ऐसा नियामक कारण जैसा नहीं दिख रहा है कि ये होगा तो ही जाएगा, मतलब ये थोड़ा सा ऐसा लाइन पढ़ने में ऐसे आ रहा है जैसे ये नियामक कारण। मैंने सीधी सी बात है देखो कि यदि आत्म ध्यान की पूर्णता होगी तो उसी भाव में मोक्ष चले जाएगा और यदि थोड़ी भी कमी होगी, राग आदि भाव विद्यमान होंगे तो उस राग के फल में वो देवेंद्र चक्रवर्ती आदि के पद प्राप्त करेगा। चरम शरीरी तो बताया है कि एक रिक्वायरमेंट है, चरम शरीरी को तो मोक्ष मिलेगा, मतलब ये कि उसके कोई कमी नहीं रहती इसलिए मोक्ष प्राप्त करता है। चरम शरीर से मोक्ष नहीं मिल जाता है,
महावीर भगवान तीर्थंकर थे उससे मोक्ष मिला उनको कि उन्होंने आत्म साधना की उससे मोक्ष मिला। ऐसे जो चरम शरीरी है वो आत्म साधना करके मोक्ष प्राप्त करेगा कि चरम शरीरी की वजह से मोक्ष जाएगा? बस बात वही चरम शरीरी है और तो नहीं तो इसलिए बस वो तो तीर्थंकर थे इसलिए मोक्ष गए हो क्या? और जो ध्यान है ध्यान की पूर्णता नहीं होगी शुक्ल ध्यान तो पुण्य बंधेगा भाई, दसवें गुण स्थान तक भी चले गए ग्यारहवें तक भी चले गए तो वहां जो पुण्य बंधा है उसमें जो शुभोपयोग का अंश बचा दसवें तक तो दसवें के दसवें गुण स्थान तक जो शुभ राग पाया जाता है उस शुभ राग से जो पुण्य उत्पन्न होता है उससे ये जीव स्वर्ग के अंदर देवेंद्र आदि के भोग और वापिस से पृथ्वी लोक में आकर चक्रवर्ती आदि के भोग प्राप्त करता है। कब प्राप्त करता है? जबकि उसके उत्कृष्ट जाति का आत्म आराधना होती है तो उस आत्म आराधना के साथ जो कुछ रागांश रहता है उस राग भाव का फल ये देवेंद्र आदि की प्राप्ति है। बोलिए वर्धमान जी जैन। हाँ भाई साहब, मुझे ये लगता है कि चरम शरीरी एक्चुअल में कोई वो कोई विशेषता नहीं होती है। चरम मींस लास्ट, अंतिम शरीर, ऐसा मैंने पढ़ा है। जी जी, मैंने वो कोई वज्रवृषभ नाराज सहनन से संबंधित नहीं होता। नहीं, चरम शरीर का ये नियम है कि वज्रवृषभ नाराज सहनन उसके हो गई। हाँ, वो मोक्ष जाने की वज्रवृषभ नाराज सहनन का, वज्रवृषभ नाराज सहनन किसी को चरम शरीर नहीं बनाता, लेकिन चरम शरीर वो कहलाता है जो उसी भाव से मोक्ष जाता है। बस जिसका जो अंतिम शरीर है वो चरम शरीर कहलाता है। हाँ बराबर, वही तो कह रहे हैं अपन। जी जी, नहीं वो एक भाई साहब को शंका हो रही थी इसलिए मैं थोड़ा सा, मुझे ऐसा पढ़ा हुआ है इसलिए मैंने कहा थोड़ा स्पष्ट हो जाए। हाँ ठीक है जी जी। हाँ बोलिए अखिलेश जी। पांचों पांडव तो वज्रवृषभ नाराज सेनन वाले थे, तीन को मिला और दो को नहीं मिला मोक्ष। चरम शरीरी का कारण, चरम शरीर मोक्ष का कारण है वो वज्रवृषभ नाराज सेनन वाले सातवें नरक भी जाता है। हाँ, तो अपनी तीन को तो आत्म आराधना से मिल गया और दो की चूक रह गई तो उनको स्वर्ग आदि की प्राप्ति हुई। हाँ, उन पांचों भाइयों में। हाँ बोलो आदित्य जी। भैया वज्रवृषभ नारायण सहनन जन्म से ही मिलता है या बाद में भी होता है? जन्म से ही होता है, हनुमान जी थे कि नहीं? हाँ, लेकिन ऐसा भी तो होता है कि जैसे विदेह में कुछ तीर्थंकरों के दो ही कल्याणक होते या तीन ही होते, तो फिर उनके केस में कैसे होगा? नहीं, तीर्थंकर प्रकृति बांधना अलग है और शरीर का वज्रवृषभ नारायण सहनन अलग अलग चीज है। तो मतलब बिना वज्रवृषभ नारायण सहनन के भी वो तीर्थंकर प्रकृति बांध ली उन्होंने ऐसा? नहीं, उनका वज्रवृषभ नारायण सहनन तो बचपन से हो गई ना। अच्छा ओके, उल्टा ओके ठीक। चलो आगे पढ़ता हूँ मैं इसी अर्थ को, देखो कौन पढ़ेगा। बोलिए आदि कुमार जी, क्या है? बोलिए। हाँ हाँ, ये जो लिखा है कि इसमें पुण्य उपार्जन करने वाले जो है वो स्वर्ग और चक्रवर्ती के भोग पाते हैं। हाँ, मतलब पुण्य से ही ये सब मिलते हैं, जो स्वर्ग मिलता है, चक्रवर्ती पद मिलता है वगैरह। तो इसके मतलब ये हुआ कि पुण्य तो है या नहीं हो सकता ना, पुण्य तो जरूरी है। हाँ, स्वर्ग जाना जरूरी है तो जरूरी है। हाँ, तो पुण्य चाहिए ना, पुण्य मिला तभी हम स्वर्ग में जाएंगे, चक्रवर्ती बनेंगे। तो स्वर्ग जाना है, चक्रवर्ती पाना है कि मोक्ष जाना है? मोक्ष तो जाना है, लेकिन जब मोक्ष नहीं है हमें इस पंचम काल में, तो अभी चक्रवर्ती का पद भी नहीं प्राप्त कर सकोगे। आप सुनो, पंचम काल में आप कुछ भी कर लो, आप ये सोचो कि इस पंचम काल के अंदर हम जो हमें यदि मुक्ति का अभिप्राय है तो ही वास्तव में हम जिन जीव को ये मुक्ति का अभिप्राय होता है, मुक्ति के अभिप्राय से जो कार्य करते हैं ये पुण्य भी इस जाति का उनके ही बनता है, जिन्हें मुक्ति की अभिलाषा होती है, जो केवल ये सोचते हैं कि हमें तो मुक्ति प्राप्त करना है।
ये तो कचरे का फल है, कचरे का ये पुण्य का जो फल चक्रवर्ती और दिख रहे ना, ऐसे मुंह में पानी आ रहा है, ये कचरा है। ये जो मुक्ति के साथ रहने वाला या यूं कहे शुद्धोपयोग के साथ रहने वाला जो कषाय चोकड़ी का कचरा है, उस कषाय का फल है ये कषाय। ये धर्म माने शुद्धोपयोग का फल नहीं है ये पुण्य फल जो है ये राग का फल है, शुभोपयोग से होता है। हाँ तो शुभोपयोग तो शुभोपयोग मुक्ति में जाने लिए छोड़ना होगा, मुक्ति की प्राप्ति के लिए तो शुभोपयोग भी छोड़ना पड़ेगा। जरूरी नहीं है, लेकिन नरक में जाने से तो अच्छा है ना स्वर्ग में जाना। कब तक वो, कब तक वो सौरभ जी ने यही तो कहा था कितने भव तक, आखिर कहीं ना कहीं मुक्ति की प्राप्ति करनी की नरक की डर कर, नरक से डच के जो है स्वर्ग की प्राप्ति का उपाय करना है। आखिर जो कल विषय आया था कि मोक्ष जो है पाप और पुण्य दोनों हेय है, तो वही पाप तो हेय है लेकिन पुण्य कैसा हेय हो सकता है? पुण्य से अपेक्षा शुद्धोपयोग की अपेक्षा है, यदि वो हेय नहीं होता तो अनंत भगवान उसको भी छोड़ के शुद्धोपयोग की प्राप्ति क्यों कर, मतलब मुनिराज जो है वो 12वें गुणस्थान में क्यों जाते? हाँ। यदि तो वो उपादे होता, हाँ। तो उपादे होता तो उसको छोड़ते नहीं ना, उसको छोड़ के उन्होंने शुद्धोपयोग का आश्रय लिया, उसको बढ़ाया, राग जो है शुद्धोपयोग की वृद्धि करते करते वो ऊपर के गुणस्थान में गए, उसका तो उन्होंने पुरुषार्थ किया शुद्धोपयोग को बढ़ाने का। तो जिसका पुरुषार्थ वो कर रहे हैं वो उपादे हुआ, कि जिसका पुरुषार्थ नहीं कर रहे सहज में हो रहा है वो उपादे हुआ। नहीं ऐसा कहते हैं कि जो पुण्य जो है छोड़ना नहीं पड़ता, वो छूट जाता है अपने आप ही। किसके छूट जाता है? जिसको जिसको जिसके अंदर में श्रद्धान होता है कि ये पुण्य उपादे नहीं है, उसके छूट जाता है। जिसको ये लगा छाती से लगा के बैठा है उसके छूटता नहीं है, उसके तो पाप भी नहीं छूटता है। वो ठीक है, लेकिन पुण्य छोड़ देना ये भी तो ठीक नहीं है। पंचम काल में तो पुण्य के सिवाय पाप भी नहीं करोगे, पुण्य भी नहीं करोगे, तो फिर क्या करोगे? मुनि बनेंगे ना, मुनि बन के तीन कषाय चुकड़ी का अभाव करेंगे, वो उसका उपदेश देंगे ना। तीन कषाय चुकड़ी का अभाव करके उतनी शुद्ध परिणति प्रकट की जा सकती है, तो वो करें। तो मतलब हाँ, तो पुण्य चाहिए ना, मुनि भी बनना है तो पुण्य तो कुछ तो चाहिए ना, पिछले भाव का अभी ये भाव का क्या बनना है? तो क्या मुनि भी बनना है तो पुण्य बनने के लिए क्या पुण्य? अरे देखो, आपको अभी पुण्य, आपके पुण्य के उदय से आपको इतनी सामग्री तो मिली है, अभी आप मुनि क्यों नहीं बन रहे? पुण्य की कमी से कि अपने पुरुषार्थ की कमी से? पुण्य नहीं है उतना, आपका पुण्य नहीं, इसलिए आप नहीं बन पा रहे। तो अब कौन सा ऐसा पुण्य का उदय आएगा आप जिससे मुनि बन जाओगे? लेकिन आज जितनी सुविधा हमको प्राप्त है वो सुविधा तो पुण्य के उदय से है, तो उसी वजह से तो मुनि नहीं बन पा रहे, सुविधा की वजह से। तो वो पुण्य तो बाधक बन रही है आपने, को साधक क्या हुआ? जो जो पुण्य का उदय है जिससे हमको सुविधाएं मिली हुई है वो तो हमारे को मुनि बनने में और बाधक हो गया, क्योंकि हम उसके भोगने के आदि हो गए। नहीं, अभी जो स्वाध्याय कर रहे हैं हम आपके साथ, तो ये भी तो पुण्य का उदय से ही होना चाहिए। ये देखो, ये तो मिल गया ना अपने को, अब इससे आगे बढ़ना कि नहीं बढ़ना, कि स्वाध्याय सुनते रहना? नहीं, इसके आगे तो बढ़ना है, बस आगे बढ़ने के लिए उपदेश है, वो आगे बढ़ने के लिए उपदेश है। आपकी जो बात है तो बराबर है, लेकिन अपने को आगे बढ़ना है उसकी अपेक्षा उपदेश है, है ना? ठीक है, ठीक। आदि जी से हमारी अच्छी वो है, वो पूछ भी लेते हैं अच्छे से। हाँ, सबके सबका समाधान हो जाए इसलिए उन्होंने पूछ लिया। चलो, अब इसी अर्थ को दृष्टांत द्वारा स्पष्ट करते हैं, ठीक है? पढ़ो, कौन पढ़ेगा? पढ़ो आदित्य, तुम्हें पढ़ो। इसी अर्थ को दृष्टांत द्वारा स्पष्ट करके कहते हैं, यह इत्यादि जो अर्थात भार वाहक ले जाता है, क्या अपने से उठने वाला भार कहां तक? दो कोश तक। किस प्रकार? शीघ्र अर्थात जल्दी। तो क्या वह अपने भार वजन को आधा कोश ले जाते हुए खेद पाएगा? खेद नहीं पाएगा, ऐसा अर्थ है, क्योंकि महाशक्ति में अल्प शक्ति का समावेश भली भांति घटित होता है, अर्थात महाशक्ति वाले को अल्प शक्ति सहज होती ही है। सीधी सी बात है, बात वही बार बार अपन कह रहे हैं कि जब गेहूं होएगी तो घास की क्या बात है, क्यों? सही। जब मेरे घर पे और ऐसे मौसम में भी
यदि रत्नागिरी का हापुस आम आ जाए और फिर भी कोई मुझसे पूछे कि पंडित जी आप क्या लौकी आ रही है कि नहीं आ रही है, अरे जब हापुस का आम मैंने मंगा लिया तो लौकी की क्या बात है। मतलब जो कठिन चीज जो दुर्लभता से प्राप्त होनी चीज है जब वही प्राप्त हो जाए तो फिर सरल की क्या बात करें। क्या अभी सबसे दुर्लभ क्या है प्राप्त करना बताओ इस लॉकडाउन में? मेरे को उदाहरण वो हापुस आम का याद आया, और भी कोई उदाहरण हो सकता है जो दुर्लभ हो? कोई सब्जी है दुर्लभ ऐसी? किसी को याद नहीं है? मेरे को भी याद नहीं आ रही कोई ऐसी चीज जो कि प्राप्त करना दुर्लभ, मतलब दूर देश से दूर दराज से कोई चीज आती हो जब वही दुर्लभ हो जाए, वो दुर्लभ है वही अभी किसी के लिए वो भी सुलभ हो तो उसके लिए फिर छोटी मोटी चीजों की क्या बात है। जो आदमी दो कोस तक बड़ी जल्दी दौड़ते हुए वजन को ले जाता है तो वो अपने शरीर के वजन को आधा कोस ले जाने में क्या खेद पाएगा? जब मैं शिखर जी 50 किलो का वजन ऊपर तक ले जाके चढ़ सकता हूं तो मैं ये गोमड़गिरी खुद पांव से चल सकता हूं कि नहीं चल सकता बताइए? जब मैं शिखर जी 50 किलो का वजन लेके शिखर जी की यात्रा कर आया, अब मेरे से कोई पूछे मेरा साथी पंडित जी आप गोमड़गिरी चढ़ पाओगे कि नहीं आप चढ़ पाओगे, क्यों भैया मेरे को इतनी तकलीफ है अभी तो नहीं आया है बुढ़ापा, अभी पिछले महीने में शिखर जी होके आया हूँ 50 किलो का वजन पूरा उसके साथ यात्रा करके आया हूँ, तो वो प्रश्न ही गलत है ना। जो आदमी 50 किलो का वजन लेके आ जाए उसके लिए 2 किलो का वजन या बिना वजन के ऊपर आधा किलोमीटर जाना कौन बड़ी बात है? तो ऐसे जिस जीव के लिए जिस शुद्धोपयोग से मुक्ति प्राप्त होती हो उस शुद्धोपयोग से स्वर्ग आदि की प्राप्ति तो सहज ही है, उसमें कौन बड़ी बात है क्या? क्योंकि उस शुद्धोपयोग के साथ में जो कुछ भी शुभराग बचेगा उस शुभराग से स्वर्ग आदि बल्कि उत्कृष्ट से उत्कृष्ट जो है स्वर्ग के पद और नीचे मनुष्यों में भी उत्कृष्ट उत्कृष्ट पद उसको प्राप्त होंगे, क्योंकि उसका मतलब उस शुद्धोपयोग के साथ रहने वाला शुभोपयोग इतनी उत्कृष्ट जाति का है और उसका फल इतना उत्कृष्ट है। शुद्धोपयोग के साथ जो शुभराग होता है उसका फल कोई सामान्य नहीं होता। देखो सम्यक दृष्टि के जो पुण्य बनता है वो पुण्य की जाति कोई अलौकिक होती है, उस पुण्य का जो फल है वो कोई महान होता है। हमारे आपके जैसे मिथ्या दृष्टियों का पुण्य बहुत हीन होता है और सम्यक दृष्टियों का अल्प पुण्य भी बहुत अधिक होता है, माने अत्यंत अधिक अनुभाग को लिए हुए होता है। इसलिए वो कह रहे हैं क्या बात कर रहे हो तुम, उसकी वो क्या होगा, उसको ये मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अरे ये तो तुम्हारे मुंह में पानी डलवाने के लिए बार बार बात करी जाती है कि सम्यक दर्शन से भोग भोग और इंद्र नरेंद्र चक्रवर्ती पद और ये सब मिलते हैं है? कि तुम्हारे को तुम्हारे मुंह के पानी के लिए है, और उस सम्यक दृष्टि के तो कोई उसकी वांछा ही नहीं है, उसको तो कोई अभिलाषा ही नहीं है, ये तो तुमको सम्यक की महिमा बताने के लिए मतलब तुमको भोगो भोग की महिमा है इसलिए बता दिया कि सम्यक से ऐसे ऐसे भोगो भोग मिलते हैं। वस्तुतः सम्यक का फल तो उत्कृष्ट मुक्ति सुख है, जो मोक्ष सुख जिसका फल है, जिसका फल कषायों का अभाव करके मोक्ष प्राप्त करना है, उसके फल में ये भोगो भोग की प्राप्ति कहना ये तो केवल जन सामान्य के लिए उपदेश है जो कि भोगो भोग से ही बहुत सुख मानते हैं, उनके लिए ये समझाया है। समझाने के लिए कहा है उनको कि देवेंद्र मिल जाएगा, नरेंद्र मिल जाएगा, चक्रवर्ती बन जाएगा। अरे क्या बात कर रहे हो तुम, देवेंद्र नरेंद्र चक्रवर्ती है? उस पुण्य की क्या ताकत है क्या मालूम तुम्हें है? वो पुण्य तो वो उसको चाहिए ही नहीं और जबरदस्ती उसके पीछे पीछे आके उसके चरण चूम चूम के कहता है कि तुम हमारे को पकड़ो हम तुम्हारे पीछे हैं, और वो सम्यक दृष्टि उनमें आसक्त नहीं होता है और उन सबका त्याग करके मुक्ति की आराधना करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यार तुम्हारे को ये बड़े बड़े पद दिख रहे हैं, सम्यक दृष्टि की आंख से पूछो कि भैया ये देवेंद्र नरेंद्र बहुत मुंह में पानी आ रहा होगा तुमको तो, कि अब तो अपन सम्यक दृष्टि हो ही गए, अब अपन तो चक्रवर्ती बनेंगे ही क्या? और नीचे आके तीर्थंकर चक्रवर्ती और ऊपर स्वर्ग में देवेंद्र, क्यों? यहाँ पे समझ लो किसी को अभी राजा बना दिया जाए ना तो 2 दिन में झांकी दिखाने लग जाते हैं, अब तो अपना ये हो गया बाबा क्या, जैसे चुनाव में जीत जाए तो हाथ चुनाव जीत गए बाबा अपन, थोड़े दिनों में मंत्री बनने वाले हैं, मंत्री नहीं थोड़े दिनों में प्रधानमंत्री, और फिर अपन वर्ल्ड को जीत लेंगे, वर्ल्ड लीडर क्या? इतनी इतनी सी चीजों में अभी एक पार्षद के चुनाव का टिकट नहीं मिला और आदमी को उसी समय वर्ल्ड लीडर दिखता है उसको सीधे,
जो वर्ल्ड लीडर बन गया होता है। अरे हमारे गली के नीचे दो चार हमारी मल्टी के अंदर कुछ एक नेता है और उनको ये भ्रांति हो जाती है कि वो अगले अगले चार साल बाद वो प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने वाले हैं। तो छोटे छोटों को जब ये दिखती है चीजें, छोटे छोटे अल्लू पल्लू सड़क के नेता उन अपने हिंदुस्तान में अपने को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कम नहीं समझते, तो ये उन लोगों के लिए जो कि इन्हीं चीजों में मस्त है, तो उनको ये समझ लो एक जो है सम्यक्त की प्राप्ति के लिए उनको प्रेरणा की गई है कि भैया सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो तो ये सब भी मिल जाएगा। इन वस्तु स्थिति है कि सम्यक दृष्टि को इन सब भोगों दी इन सब पदों की अभिलाषा ही नहीं होती है। क्या सम्यक उसका नाम है जब ये इन सब पदों की अभिलाषाएं मिट जाए, अभिलाषा मिटेगी तो सम्यक होगा, जिसके अभिलाषा बैठी है वो सम्यक भी नहीं प्राप्त करेगा। और सम्यक को कोई प्रयोजन नहीं होता, उसको चक्रवर्ती बना दो तीर्थंकर बना दो वो तो अपने आनंद में जीता है। नेमिनाथ भगवान तीर्थंकर पद को नहीं आनंद भोगते थे, अपने चैतन्य के आनंद को भोगते थे। यदि बहुत ज्यादा चक्रवर्ती पना है, बहुत ज्यादा तीर्थंकर पना और बहुत ज्यादा उसको उनको होता ना तो यार बाकी 23 ने वो काम नहीं किया, अपन मत करो भैया 23 की नैया डुबो देंगे, नहीं तो लोग कहेंगे इनको शादी करनी नहीं थी तो काय के लिए किसी की गृहस्थी उजाड़ी, अब उस लड़की का क्या होएगा, किसी तीर्थंकर ने ऐसा काम नहीं किया, उन्हें पहले ही मना कर दी, इनने तो हाँ भी कर दी और अब मना कर रहे हैं। तीर्थंकर महाराज एक काम करो, बाकी ने भी शादी की आप भी कर लो प्लीज, एक की लाइफ भी बच जाएगी प्लीज। क्यों, कितने करोड़ लोग आए थे मालूम आपके उनकी शादी में? क्यों, अपने किसी की शादी में नहीं आए आदित्य? क्या जितने भी यहाँ बैठे ना किसी की शादी में नहीं आए थे, जितने लोग उनकी शादी में आए थे किसी को मालूम है कितने करोड़ लोग आए थे उनकी शादी में? कितने लोग आए थे? हाँ अखिलेश जी मालूम है आपको? 56 करोड़। हाँ अभी हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? 1 अरब 30 करोड़। 130 करोड़ बार बार अपने प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 130 हाँ। करोड़ है ना, तो 130 करोड़ की समझ लो मतलब आधी हो गई लगभग, है कि नहीं? तो आधी जनसंख्या उनकी बारात में थी, कितनी आधी जनसंख्या बारात में थी उनकी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे? तो इसलिए और फिर भी उन्होंने किसकी परवाह करी, 56 करोड़ में किसकी परवाह करी उन्होंने बताओ, किसकी नहीं, उनको ये पुण्य फल का कोई प्रयोजन मतलब बिल्कुल परवाह ही नहीं थी उनको। वो तो वैराग्य उत्पन्न हुआ तो इधर छोड़ के चले गए, दुनिया को जो कहना कहो हम तो अपने राग रंग को छोड़ के जा रहे हैं, हम तो अपने आत्मकल्याण के लिए जा रहे हैं। क्या मैंने उस समय जिस समय उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ और जिस समय उन्हें अपने मुक्ति में अनुराग हुआ, मोक्ष प्राप्त करने का उनको भाव जगा, संसार शरीर भोगों से वैराग्य हो गया, सबसे राग टूट गया, तो उस समय उन्होंने किसी व्यक्ति की परवाह नहीं की, ये भी नहीं सोचा कि अपन तीर्थंकर है और क्या अपन एक आदर्श छोड़ के जाएंगे, लोग अपने नाम पे बार बार पंचम काल में लोग राजुल और नेमी का गीत बनाएंगे, राजुल के कि मत छोड़ के जाओ, क्या उन्होंने ये सब परवाह नहीं की? आज भी गा रहे हैं लोग, राजुल कह रही है, नेमी जी कह रहे हैं, जबकि वास्तव तो बात ही कुछ और है भाई साहब, लोग तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, हाय राजुल के साथ क्या हो गया, अरे क्या हुआ, वो भी अच्छी मारिका माँ बनी, इससे अच्छा और क्या होएगा, दोनों के दोनों का कल्याण हुआ। रागियों को उसमें ऐसा लगता है बहुत अनर्थ हो गया इसलिए उनको आंखों में आंसू आते हैं, और जो धर्म समझते हैं उनको लगता है बहुत अच्छा हुआ दोनों राग की आग में उलझे ही नहीं। बोलिए संपत जी। झारखंड वाले संपत जी बोलिए। संपत जी का शायद वो काम चालू हो गया होगा मेरे ख्याल से। बोल रहे संपत जी कुछ
भैया जी मैं 56 करोड़ बोल रही थी लेकिन भैया जी ने जवाब दे दिया। अच्छा 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 अच्छा, चलो अच्छा हुआ आपसे उसे कंफर्म हो गया दोनों का कि 56 करोड़ ही थे। तो कहने का तात्पर्य कि कितने लोग थे उस समय बताओ आप। आज तो किसी की बारात में 56 लोग भी नहीं जाएंगे, अभी सोशल डिस्टेंसिंग के टाइम पे लॉकडाउन में 56 लोग भी नहीं है मुर्दे की शव यात्रा में, और उनकी बारात में 56 करोड़ लोग थे। 56 करोड़ लोग। अच्छा एक बात और बताता हूँ मैं आपको थोड़ी सी, कि उनकी शादी में बारात में तो 56 करोड़ लोग थे और उनके समोषण में कितने लोग थे मालूम है संपत जी? समोषण का मालूम है आपको कितने लोग थे? ध्यान नहीं आ रहा है पर मैं बताता हूँ आपको, समोषण में 1 करोड़ लोग भी नहीं थे। क्या 1 करोड़ भी नहीं थे? तो आज भी यही स्थिति है, अपनी क्लास में कितने हैं क्या, और अपनी बारातों में? अरे मैं मेरी अपन दूसरों की कहो छोड़ो, अपन अपनी जो है अपन सबको कहो सारे लोगों की भैया थोड़ा प्रवचन में भी आ जाया करो। प्रवचन में आने को तैयार नहीं है, ब्याह में सब आने को तैयार, ब्याह में खाने को मिलता है ना, यहाँ तो प्रवचन में क्या है, तुम्हारा उपदेश, उपदेश को खा के क्या करेंगे हम। तो ये बात ये है कि ये सब लोग जो महापुरुष होते हैं ये कोई पद की परवाह नहीं करते। क्या इनको कोई परवाह नहीं है? तो अपने मुक्ति का मार्ग साधते हैं, इन्हें ये जगत के पदों से ख्याति पूजा लाभ से कोई प्रयोजन नहीं रहता। ठीक है, तो बात ये कह रहे हैं कि जिस मुक्ति, जिस आत्म आत्मभक्ति से मुक्ति मिल सकती है उससे स्वर्गादि पद की प्राप्ति अथवा मनुष्य लोक में भी बड़े बड़े पदों की प्राप्ति कौन कठित है, वो तो सहज ही हो जाती है, आराम से ही हो जाती है। अब देखो भावार्थ पढ़ते हैं अपन। शशि जी, शशि जी नहीं पढ़ेंगे क्या? नम्रता जी आप पढ़ लो, भावार्थ का एक पैराग्राफ पढ़ना है, बोलिए। हाँ जी, शुद्धोपयोग रूप आत्म परिणाम में मोक्ष सुख प्राप्त करने का सामर्थ्य है, उस भूमिका में सहचर शुभ राग से स्वर्गादि की प्राप्ति सहज होती है। जो मनुष्य एक मन अर्थात 40 किलो वजन 2 कोष तक ले जा सके, इतनी शक्ति वाला है, तो क्या वह उतना वजन आधे कोष तक ले जाने में थक जाएगा? नहीं थकेगा। इसी प्रकार जिस जीव ने पूर्णता के लक्ष्य से मोक्ष सुख के लिए पुरुषार्थ किया है, क्या उसको स्वर्गादि की प्राप्ति कठिन है? नहीं, वह सुलभ ही है। बहुत बढ़िया, देखो क्या कहा, देखो इसमें बहुत सारी बातें आपको स्पष्ट होगी हैं, बहुत सारी चीजें अपने आप क्लैरिटी होगी। इसको पेरिस पैराग्राफ में बहुत माल है। जिस शुद्धोपयोग रूप आत्म परिणाम में मोक्ष सुख प्राप्त करने की सामर्थ्य है, उस भूमिका में सहचर, अब ये सहचर क्या है? सहचर माने साथ में रहने वाला, माने जिस शुद्धोपयोग रूप परिणाम में मोक्ष सुख के प्राप्त करने की ताकत है, उस शुद्धोपयोग के साथ में रहने वाला जो शुभ राग है, उस शुभ राग से स्वर्गादिक की प्राप्ति तो सहज होती है, यूं ही हो जाती है। क्या उसके साथ में रहने वाले स्वर्ग से ही हो जाएगी? आपको मालूम, जो डायमंड खरीद लिया हो 10-20 करोड़ रुपए का, तो उसको 2-4 चांदी के सिक्के तो वो यूं ही देते हैं, उसकी वैलेट पार्किंग यूं ही हो जाती है, नाश्ता चाय पानी यूं ही करा देते हैं, एक समय का खाना भी करा देंगे, होता है कि नहीं होता है? क्या उसमें क्या दम है? 20 करोड़ का आसामी है उसको, 20 करोड़ को यदि हम 20 लाख भी खर्च कर दें तो कोई बड़ी बात नहीं। क्या जिस आदमी से 20 करोड़ में समझ लो हमको 5 करोड़ भी मिलते हो, तो उसके ऊपर 20-1 लाख रुपये खर्च करने में कोई दिक्कत तो ही नहीं है?
तो ये तो उसके साथ में, बल्कि उसके साथ वालों को ही खाना मिल जाएगा, उसके गाड़ी वाले को, चपरासी को भी मालूम, वो ऐसा ट्रीट करेंगे बिल्कुल जैसा बिल्कुल रॉयल आदमी। तो वो कह रहे हैं मुक्ति के साथ, मुक्ति का कारणभूत जो शुद्धोपयोग है उसकी तो बात ही कुछ और है, उसमें तो मोक्ष प्राप्त करने की सामर्थ्य ही, लेकिन वो मुक्ति को प्राप्त शुद्धोपयोग के साथ में जो शुभोपयोग रहता है, उन शुद्धोपयोगी मुनिराज के जो शुभोपयोग भी है साथ में है, उस शुभोपयोग की भी शक्ति इतनी है कि उससे स्वर्गाधिक अच्छे अच्छे बड़े बड़े पदों की प्राप्ति यूं ही हो जाती है। उसके साथ में रहने वाला जो छोटा मोटा शुभोपयोग है, जिसको वो मतलब उनकी दृष्टि से जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, वही उनको स्वर्गादि गति की प्राप्ति करा देगा। उनको उसमें क्या है, उनका लक्ष्य तो मुक्ति है। देखो सारे बड़े पद जितने भी प्राप्त होते हैं ना, वो सब उन्हीं को प्राप्त होते हैं, किन को, जिनके शुद्धोपयोग का साथ वाला शुभोपयोग होता है। अकेला शुभोपयोग किसी जीव को 63 शलाका पुरुषों की प्राप्ति का कारण नहीं बनता। 169 महापुरुष एक भी ऐसा जीव नहीं बनता जिसके अकेले शुभोपयोग हो। मतलब मिथ्या दृष्टि जीव का शुभोपयोग कभी उसको 169 महापुरुषों की प्राप्ति नहीं करा सकता। ये जो 169 महापुरुष बनते हैं, 63 शलाका के जो बड़े बड़े पुरुष होते हैं, कौन होते हैं, और वो जो उनको 63 शलाका के पद मिले वो किसके फल में मिले, कि शुभोपयोग के फल में। कौन सा शुभोपयोग, जो शुद्धोपयोग के साथ जो शुभोपयोग था, उस शुभोपयोग का फल ये 63 शलाका के पद है। अकेले शुभोपयोग के फल में किसी को 63 शलाका की पदवी नहीं मिलती। हम सबको भी यदि 63 शलाका पदों का बहुत मुंह में पानी आ रहा हो, तो उसके लिए हमें शुद्धोपयोग का पुरुषार्थ करना चाहिए। शुद्धोपयोग होगा तो साथ में जो शुभोपयोग रूप जो कमी बचेगी, जो कमी विद्यमान हो जाएगी, जो कमी रह जाएगी, उस कमी के फल में हमको ये देवगति की और देवों में अच्छे अच्छे पदों की और मनुष्यों में अच्छे अच्छे पदों की प्राप्ति हो जाएगी। यही उदाहरण दिया, जो मनुष्य एक मन, ये मन कितना होता है भी देख लो आज, मन पूछते ना लोग मन कितना, तो 40 किलो का वजन, तो जो 2 कोस तक ले जा सके, इतनी शक्ति वाला है, तो क्या वह उतना वजन आधा कोस तक ले जाने में थक जाएगा, नहीं थकेगा। इसी प्रकार जिस जीव ने पूर्णता के लक्ष्य से, यही मेरे को कहना था, देखो एक बात, जो मुक्ति की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं वो पूर्णता का पुरुषार्थ करते, वो इसलिए नहीं करते हैं कि भैया अपने को स्वर्ग सुख तो मिल ही जाएगा, मोक्ष नहीं मिला तो। वो ऐसा ध्येय रखने वाले को स्वर्ग भी नहीं मिलता है। क्या जो ओलंपिक में जिनको फर्स्ट आने का ध्येय होता है कि मेरे को फर्स्ट ही आना है, वो कदाचित फर्स्ट नहीं आए तो सेकंड थर्ड आए, क्या पड़े, फर्स्ट नहीं आ पाए, कोई थोड़ी सी इतनी सी बारीक सी कोई उनसे भी ज्यादा अच्छा निकल गया तो ठीक है, फर्स्ट नहीं आए तो सेकंड आ पाए। लेकिन जो पहले से ही सोच के जाए भैया अपन तो ओलंपिक जा रहे हैं, कोई ना कोई तो हम 100-500 की भीड़ भेज रहे हैं, हमारा खेल मंत्री के मैं 1000 को भेज रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, वो इतने 1000 में से कोई ना कोई एक तो गधा ले जाएगा कुछ ना कुछ। तो वास्तव में उन लोगों की यही हालत है कि वो एक को भी कुछ नहीं मिलता। अपने दल बड़े बड़े जाते हैं मालूम ओलंपिक में, बड़े बड़े जाने पे भी अपन की भावना इतनी रहती कि हमारे तो भैया इंडिया का तो एक कांस्य पद भी आ जाए तो हमारे बहुत है, हमारी तो औकात ही इतनी है, तो हमारी औकात इतनी तो उतना ही मिलता है। और जो छोटे छोटे कई देश है वो कहते हैं हम 4 जने भेज रहे हैं और ये चारों ही गोल्ड लेके आएंगे, भले वो चारों गोल्ड नहीं लेके आए तो एकाध कोई ब्रॉन्ज भी लेके आ जाए, सिल्वर भी लेके आ जाए, लेकिन बात वो गोल्ड से ही करते हैं। बात पूर्णता की बात करो, मुक्ति की प्राप्त करो। तुम जैन दर्शन में आकर इतना अच्छा तत्व ज्ञान प्राप्त करके और भगवान जिनेन्द्र का उपदेश सुनकर हैं, और तुम फिर भी मुक्ति की बात नहीं करो, मुक्ति की बात करोगे तो फिर मुक्ति की बात कब करोगे बताओ हैं? इसलिए पूर्णता का लक्ष्य रखो। पूर्णता के लक्ष्य जिसने मोक्ष सुख के लिए पुरुषार्थ किया है, क्या उसको स्वर्गाधिक की प्राप्ति कठिन है? नहीं, वो तो उसके लिए सुलभ ही है, आसान ही है, उसमें क्या बड़ी बात। ठीक है, पढ़ो तरुण अगला पैराग्राफ। जो जीव चरम शरीरी है अर्थात उसी भाव से मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता वाला है। हाँ, उसी भाव, देखो ये चरम शरीरी किसको कहा, जो उसी भाव से मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता वाला जीव है, वो चरम शरीरी।
वह तो आत्म ध्यान आदि के उग्र पुरुषार्थ द्वारा मोक्ष सुख पाता है, किंतु जो जीव अचरम शरीरी है अर्थात उसी भाव से मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, वे अरिहंत सिद्ध रूप से निजात्मा का ध्यान करके उस भूमिका में जो पुण्य उपार्जित करते हैं उसके फल स्वरूप उन्हें स्वर्ग चक्रवर्ती इत्यादि की विभूति प्राप्त होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो क्या कह रहे हैं, क्या कहा, जो जीव चरम शरीर अर्थात उसी भाव से मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता वाले वो तो आत्म ध्यान के उग्र पुरुषार्थ द्वारा क्या पाते हैं, मोक्ष सुख प्राप्त कर लेते, तो इतना उग्र पुरुषार्थ करते हैं कि मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं रहती उनके, अद्भुत। आप लोगों ने 64 रिद्धि पढ़ी होगी ना कभी, हैं पढ़ी है 64 रिद्धि के अंदर कुछ आते हैं ऐसी गजब, दीप्तम च तप्तम च तथा महोग्रम घोरम तपो घोर पराक्रमस्था ब्रह्म परम घोर गुणश्चरंतर। क्या है दीप्तम च तप्तम च तथा महोग्रम, महोग्र तप करते महाउग्र, महाउग्र मतलब अनेक रोग हो जाए, क्या शरीर में अनेक रोग एक साथ आ जाए लेकिन तो भी तप करने का उनका जो उत्साह है वो कहीं कम नहीं पड़ता है, उपवास आदि को निरंतर बढ़ाते ही जाते हैं, शरीर में एक एक वर्ष तक खड़े रहने की ताकत, एक एक साल तक खड़े रहते हैं, क्या इसे उग्र उग्र तप करते, बाहुबली भगवान के तपश्चरण थे ना, उग्र तपश्चरण, बालों में घोंसले बना लिए पक्षियों ने, पाँव से लते लिपट गई, बिच्छू चल रहे हैं, सांपों ने घोंसले बना लिए हैं, वहीं उस एक जगह मतलब जैसे कोई अभी अपने तो 10 दिन के लॉकडाउन में ऐसी स्थिति हो गई जहाँ कोई खड़ा नहीं है, पत्नी 2 घंटे खड़े रहती है तो बोलती भैया मेरा क्या हो गया, बाहुबली भगवान ने एक एक साल तक तपश्चरण किया ना, शरीर की ऐसी अलौकिक बात थी उनके, मतलब उनके अंदर का बल कोई अलौकिक था, तो वो उग्र तप करने वाले क्या कहलाते हैं, वो उग्र पुरुषार्थ द्वारा, मतलब उग्र तप करने वाले उग्र पुरुषार्थ द्वारा क्या पाते हैं, वे मोक्ष सुख पा लेते हैं, तो जब वे मोक्ष सुख पा लेते हैं, किंतु अब जो जीव अचरम शरीरी मतलब उनकी तो बात ही छोड़ दो, चरम शरीरी है वो तो उग्र उग्र तप करके आत्म ध्यान का उग्र पुरुषार्थ करके मोक्ष प्राप्त करेंगे, परंतु जो जीव अचरम शरीर अर्थात उसी भाव से मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता नहीं है, उसी भाव से मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते, वे क्या करते हैं कि अनंत सिद्ध रूप से निज आत्मा का ध्यान करते, अपने आत्मा को अनंत सिद्ध के समान ध्यान करके उस भूमिका में भी जो पुण्य उपार्जित करते हैं उसके फलस्वरूप उन्हें स्वर्ग और फिर यहाँ नीचे आके चक्रवर्ती इत्यादि की विभूति प्राप्त होती है, उनको भी मतलब जो उसी भाव से स्वयं पूरी अपनी आत्माराधना न कर पाए अपने आत्मा को सिद्ध समान ध्याया और थोड़ी कमी रह गई तो वे भी अगले भाव में देवेंद्र और फिर चक्रवर्ती आदि पद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार आत्म ध्यान आदि से भुक्ति और मुक्ति की प्राप्ति होती है, काय की प्राप्ति होती है, भुक्ति की भी और मुक्ति की, जिसको जो चाहिए वो मिलता है, लेकिन जो चाहिए ऐसा कहते ही लोगों को लगता है अरे स्वर्ग भी मिल जाएगा भैया आत्म ध्यान करेंगे तो उनका लक्ष्य किधर है, दिखा क्या उनको, इसमें भुक्ति दिखनी नहीं चाहिए, दिखनी चाहिए मुक्ति, यदि दृष्टि भुक्ति पे है तो मुक्ति भी नहीं मिलेगी और भुक्ति भी नहीं मिलेगी, जो ये देखते हैं इस लाइन में कि इस प्रकार आत्म ध्यान से मुक्ति की प्राप्ति होती है उनको भुक्ति सहज होती है। अपनी पूजाएं आती ना, पूजाएं तो आप लोगों ने पढ़ी होगी ना, घर में तो कर रहे होंगे पूजा, नहीं कर रहे कि साहब अच्छा है मंदिर ही नहीं तो अब क्या करें, भगवान ने भी फुर्सत दे दी हमको है? भगवान है ही नहीं अब तो हम क्यों पूजा करें, काहे पूजा करें, होते तो करते, भगवान ने मंदिर बंद कर लिया अपना हम क्या करें उसमें, बोलो सुरेन जी। ये जो अरिहंत सिद्ध रूप से आत्मा को ध्याते हैं इसको थोड़ा सा विस्तार में खोलें, जो अपने आत्मा को सिद्ध समान ध्याते हैं मैंने अपने में और सिद्धों में कोई भेद नहीं देखकर जैसे सिद्ध परमात्मा है वैसे ही अपने आत्मा को देखते हैं, उनके द्रव्य गुण पर्याय से जैसा उनका स्वरूप है सभी पूरे ही ले लो,
द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, क्या सब प्रकार से उन समान अपने को ध्याते हैं, जैसे उनमें गुण है, जैसे उनका आत्मा का स्वरूप है, ऐसे अपने आत्मा का स्वरूप देखते हैं, उन समी उन शरीर का अपने को देखते हैं, उनमें और अपने में भेद नहीं करते हुए उन शरीर का ही अपने को अनुभवते हैं, मानो अभेद रूप अनुभवते हैं, तो वे मुक्ति को प्राप्त करते हैं। अच्छा, मतलब उन्हीं में पूरी भक्ति एक में एक हो जाते हैं। हाँ, अभेद भक्ति हो जाती है, अभेद भक्ति हो जाती है। अच्छा, बोलो अभिषेक जी क्या बोल रहे हैं। भव्य जीव को भी चरम शरीरी और अभव्य को अचरम शरीरी कह सकते हैं? एक मिनट, कहाँ हूँ आप, मेरे को दिख ही नहीं रहे हो। हाँ बोलो वापिस से, क्या भव्य जीव को चरम शरीरी और अभव्य जीव को अचरम शरीरी कह सकते हैं? नहीं, भव्य सब, आप भी भव्य हो कि नहीं हो? भव्य तो है, पर चरम शरीरी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? बताओ, आप कह सकते हो कि अपने आप को चरम शरीरी? ये तो कहने वाली बात, सोचने वाली बात है। चरम शरीर ही उसी भाव से मोक्ष जाता है, अभी अपन नहीं जाने वाले इस भाव से, इसलिए अपन भव्य तो है लेकिन चरम शरीर ही नहीं है। अभव्य तो अचरम शरीर ही होता है, वो तो कभी भी उसका चरम शरीर होता ही नहीं है, लेकिन जो भव्य भी है, ये जिस भाव से जब तक मुक्ति प्राप्त नहीं करते तब तक के सारे भाव उनके अचरम शरीर ही है। ठीक है, पूर्वी बोलो, पूर्वी सुकौशल स्वामी का प्रश्न पूछा है तुमने, पहले बोल दो, यदि बात आवाज आती है तो ठीक है, तो मैं तुम्हारे प्रश्न को दोहरा दूंगा। मतलब जैसे वो चरम शरीर का दे रहे उग्र तप एकदम, तो आ रही आवाज? आ रही है। सुकुमार मुनिदास तो बहुत ही कोमल थे, तो उन्होंने कैसे इतना उग्र तप किया और कैसे वो खाने लगे? बिल्कुल नहीं, तो उग्र किया ना, सर्वार्थ सिद्धि गए वो, इसलिए अगले भाव से मोक्ष नहीं गए, मोक्ष नहीं गए वो। अच्छा ठीक है, ठीक है, ये तो कंफ्यूजन जो होने से कंफ्यूजन। बोलो आदित्य जी। भैया ये जो इससे पहले अभी जो अपन ने दोनों पैराग्राफ देखे उसमें जो भक्ति और मतलब जो आत्म ध्यान और वो सब बताया, तो वो तो सिर्फ मुनियों के ही संभव है, बाकी तो और किसी का संभव ही नहीं। आत्म ध्यान कौन सा, अभी अपन आत्म ध्यान नहीं कर सकते यूं? मतलब जिस इंटेंसिटी का और जिस हिसाब से उन्होंने लिखा है कि शुद्धोपयोग की भावना बहाते हुए शुभोपयोग जो साथ में होता है, तो फिर इसमें अपना कितना, मतलब ये तो सीधे सीधे दिख रहा है कि ये तो मुनि भगवंतों के बस की बात है, अपने बस की तो दिख ही नहीं रही। नहीं, अपने जितने अंशों में उतना, अपने अंशों में भी सम्यक प्राप्त करने की योग्यता अपने में उतना अपन कर सकते हैं, करें। और सम्यक थी क्यों, सम्यक सहित अणुव्रत धारण करें, मुनिव्रत धारण करें, उपदेश तो इसी बात का देंगे ना, ये तो ही कहेंगे कि जिंदगी भर बस घर गृहस्थी का करो और थोड़ा बहुत यहाँ प्रवचन सुनने आ जाया करो, बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उपदेश कोई ऐसा देता हो तो वो उपदेश जाता ही नहीं है, जो स्वयं भले ही मुनि नहीं बन पाए कोई जीव, लेकिन वो कम से कम मुनि बनने की बात करे क्या, तो ही वो सही उपदेश जाता है। जो खुद कहे कि नहीं अभी तो अपन इस भाव में सम्यक्ति प्राप्त कर लो भैया, ज्यादा मुनि मुनि क्या, सम्यक्ति प्राप्त कर लो बहुत है, तो वो सही उपदेश जाता ही नहीं है, क्योंकि उपदेश तो यही है मुनि बनने का, मैं नहीं बन पाऊँ उससे क्या मतलब, लेकिन उपदेश तो यही देंगे ना कि आप मुनि बन के मुक्ति की प्राप्ति करो। कोई टीचर पढ़ाता है तो वो यही पढ़ाता है कि भैया तू इंजीनियर बन जाना, टीचर से कोई कहे तू खुद तो बना ही नहीं है हमको क्यों उपदेश दे रहा, तो कहता भैया मैं नहीं बन पाया इसलिए तेरे को कह रहा हूँ कि तू बन जाना, कम से कम मैंने जो गलती की है तू मत करना। लक्ष्य जो है ना, लक्ष्य देखो मुनि बनने का ही होना चाहिए इस जीवन में, यदि कम का लक्ष्य है और यदि अपन ये कहे इतना ही कि भैया सम्यक की प्राप्ति हो जाए, बहुत है भैया अभी बहुत तो सम्यक हो जाए अपने तो, हाँ का अणुव्रत न महाव्रत, तो ये बातें बहुत ही बेकार की बात है। दूसरी बात ये है कि इस काल में भी पंचम काल के अंत तक मुनिराज होंगे, ये शास्त्र का वचन है, तो जब होंगे और हमारी आने वाली पीढ़ी बनेगी उनमें से सातवें गुण स्थान वाली, तो हम खुद क्यों नहीं वो पुरुषार्थ जगा के स्वयं मुनिपद प्राप्त करें, जब हमारे से जो सेकंड पीढ़ी आएगी वो बत्तर और उसके बत से बत्तर और बत्तर 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 की पावर 10, जब वो भी मुनि बन जाएगी तो हम तो कई गुना बेहतर है, हम क्यों नहीं बन।
ठीक है, और कोई अच्छे हैं प्रश्न? इस प्रकार आत्मभक्ति में स्वर्ग गति का भी साधन पना है। क्या कह रहे हैं? आत्मभक्ति में ऐसा नहीं स्वर्ग नहीं मिलेगा, स्वर्ग का भी साधन पना है। ऐसा समर्थन किए जाने पर शिष्य उसके फल की जिज्ञासा से गुरु से पूछता है कि स्वर्ग जाने वालों को क्या फल मिलता है। अब प्रश्न कर दिया महाराज, ठीक है आत्मभक्ति करेंगे हम तो, यदि पूरी हो गई आत्मभक्ति तो मोक्ष मिल जाएगा, थोड़ी कमी रह गई तो स्वर्ग मिल ही जाएगा। तो प्रश्न ये है कि ये बताइए आप कि स्वर्ग जाएंगे तो क्या फल मिलेगा, स्वर्ग में कैसे कैसे सुख मिलेंगे, थोड़ा तो वर्णन कर ही दो। समझ में आया? आत्मभक्ति में स्वर्ग गति का भी साधन पना है। क्या ऐसा नहीं है कि केवल उससे मतलब कमी रहेगी, कमी होगी तो स्वर्ग मिल जाएगा कमी होने पर। तो अब ये प्रश्न पूछ रहा है शिष्य, क्या कह रहा है वो कि भाई स्वर्ग जाने वालों को क्या फल मिलता है। सीधी सी बात है कि वो है ना सीधा सीधा फल पूछ रहे हैं। भगवान आपने कहा कि चलो आत्मभक्ति करो, आत्मभक्ति से मोक्ष मिल जाएगा, और मोक्ष नहीं मिला तो स्वर्ग तो मिल जाएगा, तो आप तो मेरे को थोड़ा स्वर्ग का ही सुख बताओ, कैसा सुख मिलता है, स्वर्ग का थोड़ा वर्णन करो तो थोड़ा मेरा धर्म में मन लगे। नहीं तो क्या होता है, आदमी को लगता है यार क्या तो है साला, इतना धर्म करके भी अभी लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, क्या मिल रही है आखिर धर्म से भी। कई लोग तो कहते हैं पंडित जी आखिर अपन इतने सब धर्म आत्मा है, आप भी हो यहीं इंदौर में रह रहे हो और भी हम सब श्रोता भी, अपन इतने सारे धर्म आत्मा है फिर भी इंदौर में इतने केस क्यों बढ़ रहे हैं, इतने सारे धर्म आत्मा होते हुए भी इंदौर में केस क्यों बढ़ रहे हैं। अब उनको क्या बोलो, तो उनको फल दिखाना पड़ता है। अरे भैया देखो भले ही फल बढ़ रहे हो लेकिन देख हमको तो नहीं हुआ ना, हमारे पाप का उदय नहीं है क्या, और हमारे भी आ जाए तो हम कह देंगे पूर्ण पाप का उदय, अभी जो हम धर्म कर रहे हैं उसका फल ये नहीं। तो कहने का तात्पर्य कि आदमी को फल दिखाना जरूरी है, हर आदमी को आपको जो है कोई भी कार्य करे तो उसका फल बताना पड़ता है। तुम सब एक महीने लॉकडाउन में रहोगे तो फिर दौड़ेगा इंडिया, पहले नहीं दौड़ रहा था क्या, और दौड़ेगा इंडिया, दौड़ेगा इंडिया। एक महीने तक सबको बंद करके रखना है तो उसके बाद में क्या होगा, हम सब दौड़ेंगे मिलके। तो बात के सपने दिखा रहे हैं ताकि लोगों ने बेचारे एक महीने तक के लिए अंदर घर में बैठे रहे कि बेटा उसके बाद सब दौड़ोगे, तो बाद में दौड़ोगे तो ठीक है, उसके बाद में तुमको सब देंगे। चलो क्या गरीबों के दिया, तुम्हारे अकाउंट में सीधे पैसे भिज जाएंगे, किसी को तेरे को व्यापार वाले तेरे फैक्ट्री को कुछ दे देंगे, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है भैया कम से कम घर बैठ जाओ। तो फल नहीं बताए ना अभी कि तुम्हारे हम व्यवस्था करेंगे, तो आदमी क्या करता है कार्य में उद्यम ही नहीं करता। तो ऐसे ही यहाँ तक कि आत्मभक्ति का फल मोक्ष बताया कि मोक्ष नहीं मिले तो स्वर्ग तो मिल जाएगा, तो स्वर्ग भी मिल जाएगा लेकिन आप बताओ तो सही कि स्वर्ग कैसा रहता है, थोड़ा बहुत हमको भी बताओ, हमने तो सही नहीं, हमने तो बस सुना ही है कि स्वर्ग में बहुत सुख होता है, लेकिन थोड़ा तो भगवान आप थोड़ा तो स्वर्ग सुख का भी वर्णन कर ही दो अब आप। तो कहते ठीक है देखो स्वर्ग जाने वालों को क्या फल मिलता है बताते हैं। अभी अपन मुक्ति तो जाएंगे नहीं है ना, तो अभी ये सब अपना समझ लो 20 साल बाद का इतिहास है, इसको पढ़ के अपने को आनंद आना चाहिए। लॉकडाउन में कोई रो रिया हो अरे भैया बहुत पाप का उदय है, तो पढ़ो अच्छे से, 20 साल बाद तुम सब यहाँ जाने वाले हो, 20 नहीं 20 कम थोड़ा सॉरी 20 20 केवल जो सबसे वृद्ध आदमी उनके लिए, मतलब बाकी सबके लिए तो मैं कह रहा हूँ 60 साल। ठीक है अभिषेक तुम्हारे लिए 70 75, चलो 75 ले लेता हूँ, किसी कोई भी और भी कोई हो भैया उससे भी छोटा तो 80 देता हूँ, मेरे क्या जा रहा है 90 ले लो, 90 साल। तो 90 साल बाद अपन को क्या मिलेगा, 90 साल बाद की ये अपने को क्या फल मिलेगा उसका वर्णन कर रहे हैं। ठीक है तो अब तो मुंह में आए पानी के ऐसे ऐसे सब चुपचाप, अरे 90 तो देखो मैंने अभिषेक की अपेक्षा बताया है, आप में से जो अति वृद्ध है उनको तो सोचो अभी 10-20 साल में ही मिल जाएगा। अपने को सुन के हर्षित होना चाहिए कि अब हम बहुत जल्दी ये जितने भी स्वर्ग सुखों की बात कर रहे हैं उनको प्राप्त करने वाले हैं। कैसा वर्णन है देखो स्वर्ग सुखों का, मैं गाथा पढ़ता हूँ आप लोग उसको बाद में दोहराना। मैं एक काम करता हूँ पहले पूरी गाथा पढ़ता हूँ फिर एक एक पद पढ़ेंगे अपन। ऋषि कजम नातंकम दीर्घ कालोपलालितम
फिर बोलता हूँ, ऋषिक जम नातंकम दीर्घ कालोप लालितम ना के नाकोक सामसोख्यम ना के नाकोक सामी व। फिर बोलता हूँ एक बार, ऋषिक जम नातंकम दीर्घ कालोप लालितम ना के नाकोक सामसोख्यम ना के नाकोक सामी व। अब आप लोग बोलना, दो मिनट तक आप बोलते रहना इसका अच्छा अभ्यास, तब तक मैं चुपचाप रहूंगा, ठीक है? एक दो तीन। ऋषि के जन्म कम ऋषिकजम अनांतकम दीर्घ कालोपलालितम नाके नाकोक साम सौख्यम नाके नाकोक सामिव। अब अपन हिंदी पढ़ते हैं इसका, चलो। भोगे सुरगण स्वर्ग में अनुपमे सुख भोग निरातंक चिर काल तक हो अनन्य उपभोग। बोलो अब आप लोग, एक दो तीन। बहुत बढ़िया बोला आप लोगों ने, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अन्वयार्थ थोड़ा पढ़ते हैं अपन इसको, वहां देख ले क्या अपन, देखो इसका अर्थ। ऋषिक जम, ऋषिक माने इंद्रियों से उत्पन्न, जम जम माने उत्पन्न होने वाला, इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला, अनांतकम आतंक नहीं है जिसमें, अरे कोई बंद नहीं हुआ अभी तक, अनांतकम माने जिसमें किसी प्रकार का आतंक नहीं है, दीर्घ कालोपलालितम जो दीर्घ काल तक बहुत लंबे काल तक भोगने में आवे, उपालितम माने लालितम माने दीर्घ लंबे काल तक जो भोगने में आवे, नाके माने स्वर्ग में, नाकोक साम स्वर्गवासियों को, नाकोक माने स्वर्गवासी, तो स्वर्ग में नाक नाक माने स्वर्ग और नाकोक माने स्वर्गवासी, तो स्वर्ग में स्वर्गवासियों को जो सौख्यम सौख्य है वो स्वर्ग में, नाके माने स्वर्ग में, नाकोक साम स्वर्गवासियों के, इव माने समान, स्वर्ग में स्वर्गवासियों को जो सुख है वो स्वर्ग में स्वर्गवासियों के समान ही है। क्या मतलब है? स्वर्ग के स्वर्गवासियों को जो सुख है वो स्वर्गवासियों के समान ही है। क्या कहना चाहते हैं इसका मतलब, कुछ कहना चाहते हो? स्वर्गवासियों का सुख स्वर्गवासियों के समान ही है, ये कह के क्या कहना चाहते हैं बताओ आप लोग, बोलिए राजन जी। संसार की सुख जैसा नहीं है जिसमें आतंक और बाधा उत्पन्न होती है। बढ़िया है, अच्छा प्रयास है, बढ़िया। स्वस्ति झांझरी जी बोलिए। जो भोगता है, जो जानता है वही, जो भोग कर जान रहा है वही कह सकता उसको। बराबर है। इव, इव, इव एक शब्द है इसमें,
ये थोड़ी सी संस्कृत जिसको जानता होगा, अपने में कोई संस्कृत का पार्टी है क्या? संस्कृत पढ़ी किसी ने थोड़ी भी? नहीं, कोई बात नहीं। चलो अनीता जी आप बताइए। मतलब जो स्वर्गवासी देव है, मतलब वैमानिक देवों का बताया कि उनको जो ऐसा सुख होता है। ठीक है, बढ़िया। बाकी जो भाव उनका नहीं बताया है, वैमानिकों का बताया है कि उनको जैसा सुख। बराबर, ठीक है, आपने भी बताया। जो और कोई बहुत सारे लोग हाथ खड़ा करने वाले थे, मतलब बहुत सारे लोग हैं मेहनत करने वाले। बोलिए नेहा जी। स्वर्ग में आयु बहुत लंबी होती है सागरोपम तक, ऐसे वो सुख भी बहुत अनंत काल, मतलब लंबे काल तक भोगने वाला होता है। लंबा टाइम तक सुख। बराबर है, ठीक है, आपने भी अच्छा बताया। और दृष्टि, बोलो दृष्टि। मतलब ये बोल रहे हैं वो कि उसकी उपमा अपन और किसी चीज से नहीं दे सकते उस सुख की, तो देवलोक का सुख देवलोक वाले ही समझ सकते हैं। वैसा समझ सकते नहीं, देव का सुख देव के समान ही है, माने उस सुख की उपमा हम किसी और से नहीं दे सकते, माने अनुपमेय ही है। वो एक शब्द आया था ना, अनुपमेय है उसकी। स्वर्ग के सुख की उपमा संसार में और किसी स्वर्गवासियों के अलावा और किसी गति के जीवों के सुखों से उसकी उपमा नहीं दी जा सकती, उसको समझा ही नहीं जा सकता। हम किसी और गति के जीवों से सुख बताए उसका तो बता ही नहीं सकता। जैसे कोई कहे कि स्वर्ग में कितना सुख होता होगा, स्विट्जरलैंड जाने में जितना मजा आता है ना, उतना ही मजा आता होगा। स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड में तो करो ना, और वहां जाके के करो ना करो। मतलब जो दुनिया के जितने भी हैं ये सब तो आतंकवाद से भरे हुए। दुनिया में कोई भी जितने भी जो अपन समझते हैं कि सब वहां सुखी होंगे, वहां सुखी होंगे, वहां सुखी होंगे, ये सब आज अपन देखते हैं कि ये सब रोग से, बाधाओं से, आतंक से सब घिरे कि नहीं है, कि कोई बचा हुआ है? नहीं, सब घिरे हुए। मतलब मनुष्य लोग को एक बात तो है कि इतना सब होने के बाद में मनुष्यों को इतनी तो समझ में आनी चाहिए कि उन मनुष्यों की औकात क्या है, क्या माने मनुष्य लोगों की क्या वक्त है, मनुष्य लोगों के कैसे पाप के उदय चलते हैं, मनुष्य की क्या कितना दीन है वो, कैसा रंग कंटक की कीड़ा है छोटा सा इस विश्व में, ये समझ में आनी चाहिए। मतलब उनको जो अपनी वो बहुमान तो हमसे बढ़कर कौन, हमारे भोगों से बढ़कर कौन है, हमने इतनी तरक्की कर ली है, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, तो इतनी थोड़ी बहुत तो अकल आनी चाहिए, नहीं आए तो फिर तो क्या बात कहें अपन उसको। लेकिन मुझे लगता है कि इतनी अकल तो थोड़ा भी विचार करने वालों पे आएगी कि हमारी वास्तव में हम पूरे मतलब सारे जितनी विज्ञान विज्ञान सब एक तरफ कर दो, सारे बड़े बड़े कंट्री डेवलप डेवलप सब ले लो, लेकिन एक छोटी सी चीज आदमी को घर के अंदर बंद रखने में समर्थ है, जान की खतरा उसके सामने सब मतलब आ गया, बोलो क्या जिंदगी की चुनौती उसके सामने खड़ी हो गई, एज भले ही सब बड़े बड़े अपने का है, मतलब मनुष्यों की क्या है, हम बहुत इठलाते हैं कि मनुष्य गति बहुत सुख है, ये है वो है, हमें भी समझ में आया ना कुछ कि कुछ यहाँ भी कुछ पाप के उदय हैं, पंचम काल क्या चीज है, थोड़ा बहुत अनुभव में आ रहा होगा कि अपन जो कहते थे शास्त्रों में लिखा है बार बार पंचम काल में बहुत दुख है, बहुत दुख है, पंचम काल में बहुत निकृष्ट आते हैं, तो थोड़ी बहुत तो अपनी निकृष्टता समझ में आई होगी, यदि बहुत अपन इठला रहे हो हवा में उड़ रहे हो तो शायद थोड़ा सा नीचे आए होंगे इस सारे घटनाक्रम से, और नहीं तो फिर भी कोई को लगे कि नहीं साहब वो तो क्या है, वो तो कुछ गड़बड़ हो गई, बाकी तो अपन कोई कम थोड़ी नहीं है, अपन तो अपना देश कम नहीं, अपन कम नहीं, और फिर भी अभी भी मूंछ पे ताव दे तो अब उसकी तो कुछ कहने ही क्या है, इसको तो यही कह सकते कि रस्सी पूरी जल गई हो फिर भी अभी तक बल नहीं गए बस। बाकी आप देखा जाए तो आप साक्षात देख सकते हो, ये जो कुछ जिनवाणियों में लिखा है ना, ये सब अपन जो पढ़ते हैं, होवे चोरी न जारी सु समय बढ़ते हो न दुष्काल मारी, हमारा एक मित्र कहता था क्या है ना, कोई दुष्काल आता है ना मारी आता है, जबरदस्ती रोज पढ़ो। ये शांति पाठ वाले ने भी पता नहीं एक लाइन एक्स्ट्रा जोड़ दी, ये नहीं लिखी होती तो अच्छी होती, कहीं दुष्काल ना कहीं मारी है कि नहीं है, सब सब है। तो स्वर्ग के सुख स्वर्ग के ही समान है, स्वर्ग के सुखों की उपमा अन्य किसी से नहीं दी जा सकती। ये जो इव शब्द ना इव, ये मालूम है इसका क्या अर्थ है? इव, इव, इव और इव दो शब्द होते हैं,
इव का क्या अर्थ है, थोड़ी सी भी जिसको संस्कृत मालूम हो, जिसने छठी सातवीं आठवीं में भी यदि स्कूल ईमानदारी से पढ़ा होगा और याद हो अभी तक, ईमानदारी से तो बहुत ने पढ़ा है खैर, लेकिन याद किसी को नहीं होता। आशा जी मोला जी है हमारे बीच, बोलिए आशा जी। इसके समान, हाँ उसके उपमा देते हैं ना, उपमा में लगता ही है। स्वर्ग का सुख स्वर्ग के सुख के समान ही है, स्वर्गवासियों का सुख स्वर्गवासियों के सुख के समान ही है, ये बताना, उपमा दी उससे उसकी, ठीक है बहुत बढ़िया। चलो अन्वयार्थ कौन पढ़ेगा? वर्धमान जी पढ़िए, आप पढ़िए। आवाज आ रही है? आ रही है। नाके नाकौक साम, स्वर्ग में बसने वाले देवों को जो सौख्यम सुख होता है वह नाके नाकौक साम इव, स्वर्ग में रहे हुए देवों के जैसा ऋषिकजम इंद्रियों जनित अनातंक आतंक अर्थात शत्रुओं आदि द्वारा उत्पन्न होने वाले दुख रहित दीर्घ कालोपलालितम अर्थात दीर्घ काल तक 33 सागर पर्यंत भोगने में आवे वैसा होता है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत शुद्ध पढ़ा आपने, बढ़िया। देखो क्या कह रहे हैं सब, अर्थ तो ऐसे स्पष्ट ही है, पहले ही वो क्लियर किया ना वहां पे कि स्वर्ग में बसने वाले देवों को जो सुख होता है वह स्वर्ग में रहे हुए देवों को जैसा ही होता है। माने आप क्या कह रहे हैं, जैसे जैसे कि भैया वो आदमी जो है वो उसके जैसे ही है, अपन कहते ना किसी और से उसकी तुलना नहीं कर सकते, तो स्वर्ग का सुख स्वर्गवासियों के सुख जैसा ही है। कैसा है वो? इंद्रियों जनित है, एक तो क्लियर कर दिया वो उन्होंने कि वो अतिंद्रिय सुख नहीं है। प्रवचन सार किसी ने पढ़ा हो तो उनकी भाषा में कहें तो वो सुखी नहीं है वास्तव में, लेकिन अब संसारी जीवों को इंद्रिय सुख में सुख प्रतीत होता है तो उनकी अपेक्षा से बात कही है। व्यवहार योग को व्यवहार नय से उपदेश दिया जाता है, संसारियों को इंद्रिय सुखी सुख दिखता है तो उनकी अपेक्षा से बात कही है कि संसारियों को कि इंद्रियों जनित सुख वहां प्राप्त होता है। और अनातंकम शत्रुओं आदि, अनातंकम माने आतंक से रहित, अन आतंकम अनातंक आतंक रहित, आतंक रहित माने आतंक क्या है, शत्रु आदियों द्वारा जो उत्पन्न होने वाला है वो आतंक है, और भी शत्रु है, बीमारी है, महामारी है, चोरी है, अकाल है, ये पहली बार हो रहा है क्या? एक बात बताओ आप कि ये जो हुआ है जो कुछ भी घट रहा है ये घटना पहली बार घटी क्या? ये दुनिया में पहली बार हुआ ये महामारी पहली बार फैली कि इसके पहले ही फैली? बताइए, हाथ खड़े तो करो, इसका तो बहुत ज्ञान होगा सबको। इसमें भी वही हाथ खड़े कर रहे हैं, मैंने सोचा था इसमें तो वो लोग हाथ खड़े करेंगे जो कम से कम बस। दीप्ति जी बोलिए। 1920 में स्पैनिश फ्लू भी हुआ था, ऐसे ही हुआ था। हाँ अच्छा, ये हाँ बराबर है, आपने तो वो इस 90 अपने इंडिया में भी मरे थे क्या उस समय लोग? हैं ऑल ओवर वर्ल्ड मरे थे। हाँ मैंने तो देखो, मैंने तो है ना शास्त्र पढ़ा था एक, अभी मैंने इनकी जीवन गाथा पढ़ी थी, किनकी? ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी की। आप लोगों ने किसी ने पढ़ी ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी का जीवन? थोड़ा पढ़ा किसी ने तो हाथ खड़ा करना। ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी के बारे में किसी ने पढ़ा हो तो बताओ, नहीं मालूम
अच्छा इंदौर का आपको इतिहास, आपने इंदौर का 100 साल के इतिहास की पुस्तक पढ़ी यहाँ ज्ञानपीठ लाइब्रेरी में, कुंद कुंद ज्ञानपीठ है ना, मैं जिधर दिखा रहा हूँ उधर ही है वो, मतलब मेरे घर में नहीं, घर से उधर की साइड में। तो कुंद कुंद ज्ञानपीठ लाइब्रेरी में एक बुक है जिसमें 1905 की उसमें पूरी जनगणना इंदौर के जैनियों की दे रखी है, नाम दे रखे उनके, उस समय 1905 में कितने जैनी यहाँ बसते थे, उनके नाम है, उनकी एज है, क्या बिजनेस करते दिया हुआ है, उनके फैमिली मेंबर क्या, ये सब दिया हुआ। तो उसमें मैंने पूरा इतिहास पढ़ा था, तो उसमें आया था कि इंदौर में पहले भी इंदौर में भी कोई प्लेग फैला था, प्लेग, तो उस प्लेग में हजारों लाखों लोग मर गए, ऐसा उसमें लिखा था किताब में, हजारों लाखों नहीं लिखा था, और केवल कुछ लोग, बोला सारी जनसंख्या जैसे कोई पूरी साफ सी हो गई थी और बहुत कम लोग बचे थे, 1415 जैन थे केवल उस समय 1905 की, जो मैंने डिक्शनरी में पढ़ा है उसके अंदर नाम भी लिखे उनके कौन कौन है। मैंने मेरे दादाजी का नाम ढूंढने की कोशिश की पर वो नहीं थे उस समय यहाँ पे, वो कहीं और थे उस समय। तो क्या है कि मतलब जो जो लोग भी उस समय थे यहाँ पे उनके सबके नाम दिए, इसका मतलब तब भी यहाँ पे इंदौर में ही, अपने इंदौर में ही, मैंने आज से 115 साल पहले भी कोई भयंकर महामारी फैली थी, जो मैंने तो उसमें पढ़ा है, धर्म की बुक है वो। और इसके अलावा ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी की एक कहानी आती है, उनके परिवार में उनके भाई को प्लेग हुआ, तत्काल मर गया वो एक दिन के अंदर, सुबह लाश को जलाने गए, जब तक लाश को जला के घर आए तब तक उनकी वाइफ निपट चुकी थी, 3 दिन बाद उन्होंने उसका तिया किया, 3 दिन के अंदर उनका एक और भाई चला गया, 13 दिन के अंदर उनके पिताजी चले गए, उन्होंने अपने फैमिली में एक साथ 4 मौतें विदिन 15 दिन के अंदर देखी। क्या उनको ऐसा लगा कि क्या ये सामने आदमी को जब दिखती है चीजें ना तो थोड़ा विश्वास होता है कि क्या है संसार का सब। वो बहुत जवान थे एक्चुअल में, उनकी कोई बहुत ज्यादा एज नहीं हुई थी शादी हुए को, तो सब लोगों ने उनके लिए शादी के बाद में प्रपोजल लेके आया, जब बीमारी बीमारी कम हो गई 6 महीने बाद लोगों ने उनके लिए शादी के प्रपोजल लेके आने लगे। तो उन्होंने एक बात कही कि मैंने संसार को इतने करीब से देखा है, इतने करीब से देखा है कि मेरी अब इसमें रुचि नहीं रही, और उन्होंने सबको कह दिया कि मैं ब्रह्मचर्य जो है आजीवन धारण करता हूं और अब मैं विवाह नहीं करूंगा, मैंने एक ही विवाह करके देख लिया है, मैंने अपने पूरा संसार का स्वरूप क्या है वो मैंने अपनी आंखों से देखा है तत्काल। और फिर उन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म ध्यान में लगाया और अनेक ग्रंथों की, प्रवचन सार जी की, जयसेनाचार्य देव की, समय सार जी की, जयसेनाचार्य देव की, अनेक ग्रंथों की उन्होंने टीका लिखी, सहज सुख साधन ग्रंथ लिखा मौलिक, और पूरा जीवन उन्होंने धर्म की सेवा में बिताया। हाँ सपना जी बता रही है कुछ, सपना जी बताइए, चूहों के द्वारा, एक सूरत ने भी एक पहले चूहों से एक रोग फैला था सूरत के अंदर और सूरत की सफाई हुई थी फिर भयत भय अच्छी तरह से, क्या तब भी लब लोग खड़े खड़े मर जाते थे एकदम देखते देखते, ये दिख रिया और गया, दिखा गया गया, ऐसे मरते थे, ये तो इतनी खतरनाक कुछ भी नहीं है ये तो, फिर भी बहुत। नहीं तो अभी अपन ये सुने कि कल तक प्रकाश जी बोल रहे थे परसों ही पड़ गए, क्या ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन ये सब संभव है क्या, अभी खैर अभी भी हो जाए मेरे साथ तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मतलब ये सब चीजें हुई हुई है ये सब, इसलिए इन सब में कोई आश्चर्य की बात नहीं है, सब संभव है भैया। तो अपने को तो अनेक आतंक है यहाँ पे, दुनिया भर के समस्याएं लगी हुई है, स्वर्गों में कुछ नहीं है ये सब, स्वर्गों में न कोई महामारी है, न चोरी है, न जारी है, न अकाल है, होवे चोरी न जारी, शांति पाठ पढ़ने की जरूरत ही नहीं उनको, क्या हो वे चोरी न जारी, न चोरी है न जारी, सुसमय बढ़ते सुसमय बरत रिया, न दुष्काल मारी, न दुष्काल है न मारी है, कोई आतंक नहीं है, शत्रु आदि द्वारा उत्पन्न होने वाले दुखों से रहित है, और उनकी आयु भी बहुत लंबी है, 33 33 सागर तक वे स्वर्गों में रहते हैं, कितने सागर तक, 33 सागर तक, 33 सागर किसको कहते मालूम, मैंने आप इतने समझ लो सागर में जितना पानी है उतने उनके करोड़ों वर्ष उनकी आयु है, सागर की एक एक बूंद जल निकालो और एक एक अरब वर्ष की उम्र सामने रखो, मैंने एक बूंद जल निकाला और एक अरब वर्ष की आयु पूरी हुई,
एक बूंद जल निकाला 11 वर्ष की आयु, एक बूंद जल निकाला तो जितने समय में जितने में पूरा सागर का जल खत्म हो जाएगा उसमें कितने अरब वर्ष हो जाएंगे, कितने खूब। तो इससे भी ज्यादा आयु जो है ना देवों की है, अपनी आयु तो उसके सामने कुछ है ही नहीं। तो इतने लंबे काल तक स्वर्ग के सुख भोगने में आए, ऐसे ये स्वर्ग के सुख होते हैं। जरी जारी, जारी माने परिस्त्री सेवन, परिस्त्री सेवन को जारी कहते हैं। होवे चोरी न जारी माने कोई चोरी भी नहीं करे और परिस्त्री सेवन भी नहीं करे। ठीक ठीक है, अपन इतना ही रखते हैं, बाकी कल करेंगे अपन चर्चा। और किसी कुछ प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, अभी की चर्चा अपन यहीं समाप्त करते हैं।